उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है और आज की अगर बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार विपक्ष का पलटवार सत्ता पक्ष पे देखने के लिए मिल रहा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रोजगार को लेकर, इन्वेस्टर समिट को लेकर सीधे सवाल उठाए जाते हैं, ईडी को और साथ साथ अगर सीबीआई की बात की जाए तो कठपुतलिया बताया जाता है। देखिए क्या है कि कुछ लोगों का विश्वास हिल गया है, उनको अपने अस्तित्व की चिंता हो रही है। जनता का रुख, जनता का प्यार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और हम सब के नेता देश के पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति बढ़ा है, वो देखकर लोग घबरा गए हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन प्रेस करके मीडिया के सामने निकालने का प्रयास कर रहे हैं। राजभर जी, जिस तरीके से जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है वो डिपार्टमेंट पहले ओम प्रकाश राजभर जी के पास भी था, ऐसे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिलहाल पार्टी से जो है उनकी स्थिति अब नारुक नजर आ रही है और अभी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ यानी कि सपा के साथ वो गठबंधन करने की राजनीति के आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इनका साथ आपस में मिलता है तो उत्तर प्रदेश की जो राजभर समाज की बात करूँ, क्योंकि उसी समाज से आप आते हैं, तो वोटों की बैंक अगर राजनीति में समझे तो कितना असर आप देख रहे हैं? अब राजभर कहाँ रहेगा, ये तो लोकसभा का चुनाव आपके सामने है, उसका परिणाम आपके सामने है। लोग कहा करते थे कि पूर्वांचल में 3 सीट नहीं जीतने देंगे, भाजपा 3 सीट नहीं जीतेगी, आज कितना परिणाम हम लोगों के पक्ष में आया इस पर भी कोई बात करने का विषय नहीं, सब लोग जानते हैं। रह गई गठबंधन की बात, तो उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बना सपा और बसपा का, उसका हश्र क्या हुआ ये देश के सामने है, आप सभी लोगों के सामने है। जब उसका वो हश्र हुआ तो बाकी गठबंधनों पर बात करना मुझे लगता है कि समय को जाया करना है। जनता पूरी तरीके से पूरे भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। शुक्रिया सर, आनंद टीवी से खास बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल राजभर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सपा और बसपा का गठबंधन हम सभी ने देखा और परिणाम भी हम सभी के सामने रहा, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या सुबह सपा का गठबंधन अखिलेश यादव की सरकार के साथ मिलकर क्या कुछ नया रंग लाता है या नहीं। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं भावना, आनंद टीवी दिल्ली।